नमस्कार दोस्तों, मैं संदीप सिंह रापड़िया, रापड़िया फार्मिंग चैनल में एक बार फिर आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज मैं आया हूं कुरुक्षेत्र जिले के शाहबाद में। यहां पर एक सुखदेव जी हैं जो कई स्टेटों में खेती करते हैं। इनकी खेती हरियाणा में भी है, पंजाब में भी है, हिमाचल में भी है और आजकल जम्मू कश्मीर के लेह और लद्दाख में भी ये कर रहे हैं। साथ ही साथ में हैदराबाद में वहां पे भी करते हैं। कई जगह ये लीज पे भी करते हैं, कई जगह इनकी अपनी भी है। और ये करते हैं वैरायटी आलू की, और आलू की भी बहुत तरह की वैरायटी करते हैं। आज इनसे पूछेंगे कि हरियाणा या पंजाब या फिर जो उत्तरी हरियाणा उत्तरी भारत है, कौन सी वैरायटी सबसे बढ़िया है और कौन सा बीज इनके पास उपलब्ध होता है, इस चीज की जानकारी इस वीडियो में लेंगे। मिलते हैं। नमस्कार। नमस्कार भाई। भाई सबसे पहले तो अपना इंट्रोडक्शन दो। मेरा नाम सुखदेव सिंह है और जो मेरी पोटैटो कंपनी है वो सुखदेव पोटैटो सीड फार्म के नाम से रजिस्टर्ड है। और अपना एक बार किसानों को मोबाइल नंबर और मेरा मोबाइल नंबर 9896787414 है। दोस्तों मैं एक बात बताना चाहता हूँ, ये पोटैटो का बहुत बड़े लेवल पर काम करते हैं और इनसे बीज भी आप ले सकते हैं। मेनली काम इनका बीज का ही है। सुखदेव जी, सबसे पहले तो मेरे व्यूवर्स को जो हरियाणा पंजाब या राजस्थान उत्तर प्रदेश जो भी है उनसे बताइए कि आपके पास कौन से बीज उपलब्ध है। हमारे पास जो इंडिया में वैरायटी चल रही है मोस्टली फ्रेंच फ्राइज की, चिप्स की, टेबल की, वैरायटी कैसा है हमारे पास वैरायटी सभी है, पर स्टेट वाइज क्लाइमेट के हिसाब से वैरायटी चेंज हो जाएगी। जैसे हमारे हरियाणा पंजाब में सबसे बड़े लेवल पे पुखराज लगाया जाता है, और जो अपना गुजरात है वहां पे एलआर और कुफरी ज्योति, या एमपी में एलआर और ज्योति लगाया जाता है, बंगाल में कुफरी ज्योति हिमालनी लगाया जाता है। अलग अलग वैरायटी के हिसाब से स्टेज वाइज वैरायटी बदल जाएगी। अब मैं कहूँ कि जो वैरायटी हरियाणा में लग रही है वो आप एमपी में लगा लो, वो किसान की च्वाइस है कि उसको लगानी कौन सी वैरायटी। हम किसी को ये नहीं कहते कि आप प्रेशर देंगे कि ये वैरायटी लगा लो। मतलब यहाँ जैसे हरियाणा पंजाब या राजस्थान या फिर अपने यूपी है, हाँ जी, मैं यहाँ के बारे में पूछू तो कौन सी वैरायटी सबसे हरियाणा में सबसे ज्यादा लग रहा है? पुखराज। पुखराज, पुखराज कुफरी पुखराज। अच्छा। और यूपी में सबसे ज्यादा लग रहा है कुफरी बाहर सैंतीस्तान में। कौन से समय में ये वैरायटी लगनी चाहिए अपने? अभी अगर हम सीड की देखी जाए तो हमारी क्रॉप 10वें महीने की 15 से चालू हो जाएगी। ठीक है। और जो टेबल में किसान आलू लगा के कच्चा मार्केट में लाते हैं उनका जितना अर्ली मतलब 9वें महीने की 15 तारीख से बिजाई, जैसे पंजाब में होशियारपुर है, ऊना है, ये जो आप मेरा चैम्बर देख रहे हो ये टोटल बीज होशियारपुर और ऊना ही गया है, खाली हो चुका है, उनकी बिजाई आज से 10 दिन पहले हो चुकी है। ठीक है। जितनी अर्ली आपका मार्केट में आलू आएगा टारगेट है उतना अच्छा आपको भाव मिल जाएगा। और भाव के ऊपर मेरे सामने आलू की फसल बहुत ज्यादा। वेजिटेबल कैसी चीज है वो आपका जो है जितनी अर्ली आप लेके आएंगे मार्केट में उतना भाव आपको भाव मिलेगा और उतने ही आप आमदनी प्राप्त। बताइए कोई किसान यदि नया है जो बिल्कुल शुरुआत से करना चाहता है या किसी ने शुरुआत भी कर रखी है कई सालों से कर रहा है, तो बीज का ट्रीटमेंट कैसे करे अच्छा उत्पादन ले सके वो? बीज का ट्रीटमेंट हम जो दवाई लगा रहे हैं हम दो दवाई का भी यूज कर रहे हैं, मेस्टो प्राइम बायर की आती है और बासव की सस्टेविया। अच्छा। जो बासव की सस्टेविया है वो हम 6 ml पर लीटर पानी डाल रहे हैं, और जो बायर की अपनी मेस्टो प्राइम है वो 2.4 लीटर पानी में हम 100 ml डाल के ट्रीट कर रहे हैं। अच्छा। 18 क्विंटल बीज को। 18 क्विंटल बीज पर आप इतनी जो आपने ये दवाई बताई है उसका छिड़काव करते हैं? उसका छिड़काव करते हैं, आलू को बिछा के डोरा में स्नोजल होती है उससे स्प्रे करते हैं। ठीक। फिर उसको पैक करके बोरियों में रख देते हैं। वो कितने दिन तक रखना होता है? फिर हम उसकी चेक, जैसे ये मेरा आलू है इसमें आप ध्यान से जब इसमें सपोर्टिंग निकल जाए, सपोर्टिंग इतनी कि जब आप बिजाई करें ट्रांसप्लांटिंग टूटनी नहीं चाहिए। अच्छा। अगर टूटेगी तो फिर उसको दोबारा से उसको निकालने में टाइम लगेगा, जर्मिनेशन आगे पीछे हो जाएगा। हम तो बड़ी टेक्नोलॉजी पे जाते हैं कि टूटनी नहीं चाहिए, तो जब लगे कि आप तैयार है तो उसकी बिजाई कर देते हैं। आलू के लिए, आलू की जो बिजाई करते हैं उनके लिए खेत की तैयारी कैसी होनी चाहिए? सबसे पहले हमारी जो धान कटेगी अभी उसमें क्या करते हैं हम धान काट के पराली की जो गांठे बनवा के वो कंपनी चली जाती है उठा के वो ले जाते हैं, फिर हम उसमें 3 बार हैरो मारते हैं। ठीक है। फिर उसमें लेजर लेवलिंग करते हैं उसके बाद, ताकि पानी खेत में एक समान लगे, क्योंकि आलू जो क्रॉप है उसको पानी नहीं चाहिए, उसको नमी चाहिए। सबसे पहले तो किसान को देखना, किसान का अगर लेवल सही होगा तो खेत में प्रोडक्शन अच्छी आएगी। लेजर लेवलिंग कर दिया, फिर 2 बार कल्टीवेटर, फिर उसमें हम खाद डालेंगे जो हमने डालने हैं। कौन से खाद? जैसे हम जीते पोटास,
और आलू की फसल के लिए सबसे पहले हमारी मिट्टी टेस्टिंग के लिए जाती है, हम बिना टेस्टिंग के कोई खाद नहीं डालते कि आईडिया से डाल दिया। ठीक है, तो टेस्टिंग किस बेस पे होनी चाहिए, जैसे मतलब क्या क्या होना चाहिए, कैसी आलू की टेस्टिंग? हमारी मिट्टी है, हम 16 के 16 पोषक तत्व टेस्ट रिपोर्ट में लेंगे। अच्छा, हम ये नहीं एक से दो की करा लेंगे, हमारी फसल को ये नहीं अकेला डीएपी चाहिए नाइट्रोजन, हमारी फसल को 16 पोषक तत्व चाहिए, जितने भी अपने नाइट्रोजन पोटेशियम कैल्शियम जितने भी हो सारे चाहिए, फिर उसी हिसाब से हम रेशो बना के उसको डालते हैं। तो मतलब आलू का कोई नया किसान यदि खेती करना तो सबसे पहले उसको अपने खेत की जांच करवा लेनी, सबसे पहले नहीं आलू की खेती नहीं, मैं तो कहूंगा कि कोई भी आप क्रॉप कर रहे हो, अब उसमें आप अपनी मिट्टी टेस्ट कराएंगे। जब हम अपनी खुद की दवाई लेने जाते हैं अच्छे डॉक्टर से टेस्ट कराते हैं, पर हमारे फार्मर क्या कर रहे हैं इंडिया की, वो अपनी मिट्टी का टेस्ट नहीं करा रहे। अब ये नहीं पता उसमें डीएपी पहले से पड़ा है या पोटास पड़ा है और हम फिर डाल दें तो पैसा तो खराब हो रहा है ना हमारा। ठीक है, जितना उसको चाहिए उतना आप देंगे तो उससे क्या होगा, आपका एक तो पैसा बच जाएगा और आपकी डीएपी आपने जमीन में डाला मान के चलो 2 बैग डाला और आपकी फसल को जरूरत 1 बैग की, तो 1 बैग का तो पैसा वेस्ट हो गया ना आपका। मिट्टी टेस्ट आप कराएंगे उसमें सारी रिपोर्ट में पता लग जाएगा। जैसे आलू की खेती जो करें जो किसान कर रहे हैं या करना चाहते हैं, मुझे यह बताइए कि आलू की खेती में कौन सी बीमारियां आ सकती हैं या कौन सी आती हैं? आलू में सबसे ज्यादा प्रकोप होता है लेट ब्लाइट और अर्ली ब्लाइट का होता है। अच्छा, किस टाइम पे होता है ये? और जैसे मौसम हमारा रात को फोग गिरेगी, बूंद होगी और दिन में सनलाइट नहीं लगेगा प्लाट को, तो उसकी जब बहुत नमी बन जाएगी आपके प्लाट पे दिन पर पानी जमा रहेगा तो उससे ब्लाइट के चांस बन जाते हैं। मतलब नवंबर महीने में कह सकता हूँ मैं आमतौर पर, नवंबर हरियाणा का जो उत्तरी हरियाणा है, दिसंबर में जाके ब्लाइट के चांस बन जाते हैं। और अगर आपके बीज में मान के चलो ये मेरा बीज है तो इसमें पीछे जिस जो आपने फसल लगाई है बीज लगाया सबसे बड़ा खेल है बीज का, बीज का अगर आपके बीज में ही ब्लाइट है तो आपकी फसल में 100% आएगी। तो फिर ये कैसे चेक करें कि बीज में ब्लाइट? बीज कैसे है, जब आप किसी से बीज ले रहे हो, जैसे ये हमारा स्टोर है, हम स्टोर से कभी बीज नहीं सेल करते। अच्छा, हम खेत पे हमारी फसल देखें, आप किसान आके लीफ कैसा लग रहा है आपको, अच्छा लग रहा है या नहीं लग रहा, लीफ प्लाट खेत देख के तो आप समझ पाएंगे। अब ये मैं आलू आपके हाथ में दूं आप कैसे पहचान लोगे इसमें ब्लाइट है या वायरस है? नहीं हो पाएगा ना वो। अब ज्यादातर किसान क्या मोस्टली 99 हमारे देश के जो किसान है वो 99% किसान ऐसे हैं जो स्टोर से सीड खरीदते हैं, और सीड ऐसा भी है मेरे पास जो 1 लाख रुपए क्विंटल है और सीड मेरे पास ऐसा भी जो 1000 रुपए क्विंटल है। अब वो 1 लाख रुपए क्यों है और 1000 रुपए क्यों है वो वहां पे गेम बदल जाएगी। पोस्ट सीड की सबसे पहले किसान देखे, और सीड जितना आपका अच्छा होगा उसमें खाद स्प्रे आपकी कम लगेंगी। प्रोडक्शन जैसे मैं पुहराज की बात करूं, प्रोडक्शन में 70 दिन में किसान 230-230 बैग निकाल लेते हैं 50 kg के, मतलब लगभग 130-135 क्विंटल या 120 क्विंटल के करीब, 120 क्विंटल 70-80 दिन में पुखराज आराम से निकल जाता है। और उस टाइम रेट मेरे हिसाब से 8-10 रुपए किलो। रेट का तो मैं नहीं बता सकता, सब्जी का जो रेट है वो डेली का, मेरे पास ऊपर गोभी लगी हुई है मेरी, गोभी मतलब पहाड़ी में लद्दाख में, तो मेरी गोभी 80 रुपए किलो बिक रही है। ठीक है, वो तो मौसम के अनुसार जितने पहले मौसम के ऊपर अब गेम है सारी सब्जी की। तो रेट तो इसका ऐसा भी है, जब स्टार्टिंग में इस बार आलू खुदा था तो 500 रुपए क्विंटल बिक रहा था। अच्छा। आज वही आलू 1500 रुपए क्विंटल बिक रहा है। ठीक है, रेट का तो मतलब आलू की जो फसल है वो कितने दिनों में तैयार हो जाती है? आलू की फसल ऐसे है जी, अगर आपने राशन की क्रॉप लेनी है तो वरायटी टू वरायटी देखा जाए, वरायटी का करेक्टर टाइम है 80 से 90 दिन के बीच में। जब आपने अगर आलू पक्का खोदना है तो ये आपकी स्किन नहीं उतरनी चाहिए, वो किसान अगर टेक्निकली खेती कर रहा है और पुनः उसको पता होता है स्किन नहीं उतरनी चाहिए। जो हमारा टाइम है जैसे हम 60 दिन में प्लाट कट कर देते हैं, ठीक है, 10 मई की 20 15 से चालू करेंगे बिजाई और जनवरी 1 तक जाके हम प्लाट कट कर देते हैं, फिर 1 महीना उसको छोड़ देते हैं खेत में ताकि वो उसका पानी है जो वो उड़ जाए और ये स्किन जितनी अच्छी होगी उतनी स्टोरेज क्वालिटी आपकी अच्छी बनेगी। फिर वहां पे किसान को जब आलू स्टोर भेजना है उसकी ग्रेडिंग अच्छी होनी चाहिए, कौन सी वरायटी स्टोर में जाके बिकेगी, किसका भाव अच्छा मिलेगा, कौन सी वरायटी दूर की लोडिंग के लिए। अब किसानों को मैं एक आपकी वीडियो के माध्यम से बोलना चाहूंगा कि पुखराज एक ऐसी वरायटी जिसको आप स्टोर करके ना बेचे, ठीक, और इसको सीधा डायरेक्ट सीधा खेत से इसको आप सेल करें, नहीं तो आप अगर आपने स्टोर से आलू बेचना फिर वहां पे वरायटियां बदल जाएंगी, पक्के की वरायटियां जाएंगी, चिप्सोना 1 हो गया, 3793 हो गया, LR हो गया, वो वरायटियां भी हमारे पास नई चल रही है ट्रायल में, वो आ जाएंगे। पुखराज जितनी भी कच्चे की वरायटियां को आप खेत से सेल करो। तो ये थे सुखदेव जी जो काफी पुराने काफी दिनों से काफी वर्षों से ये आलू की खेती करते हैं, साथ ही साथ में और फसलें भी करते हैं, लेकिन आलू का इनके पास बहुत ज्यादा स्टोर है, बहुत ज्यादा खेती ये करते हैं, 300-400 किलो में तो ये खेती करते ही है। तो सुखदेव जी बहुत अच्छा लगा आपसे आलू के और मेरे किसानों को बहुत अच्छी जानकारी, धन्यवाद।